हेलो गाइस, कैसे आप लोग? गाइस आज हम जा रहे हैं दसुए से सीधा होशियारपुर। होशियारपुर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम भी हैं और मैंने सोचा चलो आपको मैं होशियारपुर भी घुमा लेता हूँ, वहाँ भी देखते हैं। जैसे आपके पास सुना होगा ना कि दिल्ली में काफी सारी पुरानी दुकानें हैं, 100-100 साल पुरानी दुकानें हैं, मकाने हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी होशियारपुर में आपको कुछ पुरानी चीजों का भी आज मैं दर्शन कराऊंगा कि पुरानी चीजें वहाँ, काफी चीजें पुरानी हैं, मतलब कि पार्टीशन के टाइम के कुछ चीजें भी वहाँ हैं। और होशियारपुर के बारे में भी मैं आपको ये बताता हूँ, होशियारपुर पंजाब में है जो कि दुआबा में स्थित है। होशियारपुर माना जाता है और कहा भी जाता है, होशियारपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा पंजाब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का इलाका कहा जाता है होशियारपुर। तो होशियारपुर हम निकल गए हैं और आगे जाके देखते हैं हमें वहाँ खाने को क्या क्या मिलता है और हम क्या क्या वहाँ एंजॉय करते हैं। सो स्टे ट्यून, देखते रहिए डॉक्टर ब्लॉक्स को और फिर चलते हैं हम सीधा होशियारपुर, मिलते हैं हम वहाँ जाके आपसे। देख सकते हो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऐसी एक दुकान है जहाँ पे गन्ने का जूस मिलता है और हमेशा यहाँ पे भीड़ ही रहती है। आप कभी भी आएंगे आपको हमेशा यहाँ भीड़ ही मिलेगी। सो हम भी अपनी मंजिल के पास पहुँचने वाले हैं, सामने रेंज रोवर डिस्कवरी आ गई मेरी, ओए होए चली भी गई। सो आप कभी भी यहाँ पे आएंगे होशियारपुर में तो आप यहाँ पे जरूर आना, सेशन चौक पे गन्ने का रस मिलता है, आप जरूर ट्राई करना यहाँ पे। और हाँ, यहाँ देख लो, यहाँ पे लंगर लगा हुआ, खाओ लंगर पूरी। यब बात, लंगर पूरी लगी है, खाएं। सो दोस्तों, हम जो है कि अपना लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए होशियारपुर। होशियारपुर में इसलिए आया था क्योंकि मेरी जो गिटार है उसकी स्ट्रिंग्स जो है वो खराब हो गई है, 2 दिन ही हुए लेकिन फिर भी वो स्ट्रिंग्स मैं ठीक करवाने आया हूँ यहाँ पे विशाल म्यूजिक हब के पास। चलिए देखते हैं क्या इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, म्यूजिकल डॉक्टर्स हमारा क्या इलाज करते हैं हमारे गिटार का। सो ये उनकी शॉप है, अब भी देख सकते हो, और हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन से हैं और हमारे गिटार को ठीक होने में कितना वक्त लगता है। चलिए देखते हैं, पाजी बड़ा को मना पै गया यार, लोकेशन ना पाजी सालों गलियों गली पा के लेके गया। सो पाजी आ मेरा गिटार है पाजी, देखियो नहीं ना, मैं ऑनलाइन की ऑर्डर, बट ना ये स्ट्रिंग जड़ी है आ दोनों जड़ी आ लूज या दो नहीं दोनों मैनू एक तक टूटी गई है ना, हाँ तुम चेंज कर दो, पेयर पा ही दो, मैं कहना सिंगल सिंगल पाए पर पाजी ऑक्टोपैड कैशियो पाजी किन्ने किन्ने प्राइस है तेरे को गिटार किन्ने किन्ने प्राइस है 2000 रुपए दी है। तुम भी दिखाओ भाई, तुम भी तार नहीं पई ना पई है, चमकीला याद आया ना, काफ़ी ट्रेंड से चलता पाया इस टाइम तो। तो मैं अपने मेरा दोस्त है पम्मी भैया ये लो तुम भी, तुम्हारे लिए मैं ले लिया, जब आओगे खरीदी नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ, तुम भी पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर गिटार ठीक करवाने के बाद निकलते हैं अगले सफ़र पर। तो गिटार ठीक कराने के बाद हमें ना किसी ने कहा था कि अगर आप होशियारपुर आए हो ना तो आप अम्बाला चाट हाउस ज़रूर जाना, कहा जाता है कि बहुत ही फेमस है ये अम्बाला चाट हाउस होशियारपुर में, और क्या कहते हैं ज़बरदस्त टिक्की बनाते हैं। सो आज हम भी वहीं जा रहे हैं अम्बाला चाट हाउस, लेट्स ट्राई कि कितना ही ये फेमस है और कितनी इसका टेस्ट है, हम आज ट्राई करते हैं फिर इनको हम देंगे नंबर्स कि कितनी टेस्टी थी कितनी नहीं। सो हम जा रहे हैं अंदर और खाते हैं हम टिक्की और फिर बताते हैं कि कैसी है ये, जितनी मशहूर है उतना है भी स्वाद की नहीं, हम आज अंदर जाके देखते हैं टेस्ट करके। फाइनली हमारी टिक्की जो आ गई है, क्विक सर्विस है, बहुत तेज़ है इनका सर्विस तो, और मेरी चाय भी यहाँ पे आ चुकी है। तो टिक्की में देखते हैं खास क्या है इसमें, ज़्यादातर तो मुझे चने दिखे हैं, चटनी है, लाल चटनी है और टिक्की है, थोड़ी करारी करारी सी है, टेस्ट करके देखते हैं मैडम जी को कैसा लगा। सो क्या कहना चाहेंगे आप टेस्ट के बारे में, ऑनेस्ट रिव्यू, अच्छा है फिर भी बुरा है फिर भी कोई बात नहीं, टेस्टी है। कितने नंबर देंगे आप 10 में से इसमें? 8 नंबर, वाह ठीक है। सो मेरी आ गई चाय, लेट्स मैं ट्राई करता हूँ चाय को। हाँ,
चाय को मैं अच्छे नंबर दे सकता हूँ इसमें। सो हम करते हैं टिक्की को टेस्ट, आप लोग बने रहिए। सो कॉफ़ी हमने टेक अवे कर ली है और टिक्की का रिस्पांस बहुत सही है। हाँ ठीक है, 10 में से 8 नंबर दे सकता हूँ। और क्या क्या है खाने को, आलू टिक्की, वही पापड़ी, गोलगप्पे, राज कचौड़ी, ये पता नहीं राज कचौड़ी को राज कचौड़ी क्यों कहते हैं, ये नहीं पता मुझे। और काफ़ी हाइजीनिक है, साफ़ सुथरा काम है पूरा। और अगर आपको बस यहाँ पे अगर टिक्की नहीं भी खानी है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स हैं, अलग अलग फ्लेवर भी अवेलेबल है। सो मैं तो कहूँगा अगर आप आए हो तो मुझे तो अच्छा लगा, आप भी जब आओगे शहरपुर में तो यहाँ ज़रूर ट्राई करना, यहाँ की टिक्की ज़रूर ट्राई करना। फिर चलते हैं आगे, कुछ नई चीज़ें ढूंढते हैं खाने के लिए। सो दोस्तों हमने होशियारपुर घूम लिया, मैंने अपनी गिटार ठीक करवा ली है और हमने जो यहाँ पे जो फेमस है अम्बाला चाट वो भी, जो टिक्की भी खा के देख ली। चाय स्टिल मेरे हाथ में है, मैं पी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, चाय बहुत ज़्यादा ले ली मैंने लेकिन गर्मी में। सो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मौका मिले, जब भी मिले, आप प्लीज़ छोटी जगह से ही घूमने निकलो। घूमोगे तो दिल भी अच्छा होता है, मन भी खुश होता है। और ऐसा नहीं कि कोई एक प्रॉपर जगह एक नोटिस करके घूमना है कि हाँ मुझे वहाँ ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया बहुत बड़ी है, कुदरत बहुत प्यारी है, आप जहाँ चाहो अपना दिल वहीं लगा सकते हो। तो मैं तो कहता कि पीपल के पेड़ के पास भी आप बैठोगे ना तब भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो मेरा कहना यही है, जब भी मौका मिले घूमने निकलो, अपनी फैमिली के साथ जाओ, तो आपका भी दिन बन जाएगा, आपकी फैमिली का भी दिन बन जाएगा और अपना टाइम भी आप अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि इस बिजी दिनों में, इस बिजी लाइफ में अब लोगों के पास अपनों के लिए टाइम नहीं है, पर आप कोशिश जरूर करें, आधा घंटा ही सही, 10 मिनट ही सही, पर आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जरूर जाएं। दोस्तों आपने वेरका का नाम तो सुना होगा, वेरका में आपके कई सारे आइटम आते हैं, सबसे ज़्यादा तो आपने ये सुना वेरका का दूध, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कभी भी वेरका पंजाब में आते हो, यहाँ पे एक वेरका ने अपने ही कोई जो है डेयरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें आपको लस्सी, दही, खीर स्पेशल है भाई। अगर आप कभी भी वेरका जाओ तो इनकी खीर ज़रूर खाना, खीर बहुत ही बढ़िया ये बनाते हैं, एक नंबर स्वाद होता है इनका, गुड़ वाली खीर होती है ना कि चीनी वाली। मैं यही कहूँगा आप जब भी आएँ पंजाब आएँ, वेरका रुके और आप ये खीर ज़रूर खा के देखें। लीजिए मैडम। सो दोस्तों आज का जो सफ़र था मेरा इतना ही था, हम यहाँ पे घूम के आए, पूरा होशियारपुर घूम लिया, हमने फेमस अम्बाला टिक्की चाट भी खाई जो कि बहुत टेस्टी थी, और हमने मेरी जो गिटार है वो भी ठीक कराई भाई ने। देख लो ये बात तो है, भाई ने पैसे नहीं लिए यार, स्ट्रिंग डालने के भी पैसे नहीं लिए कि आप इतनी दूर से आए हो। थैंक यू, अगर आपको कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लेना है ना तो आप वहीं ज़रूर जाना जहां मैं जाके आया था, जो कि है विशाल म्यूज़िक हब में। ठीक है, अब मैं वापस आ चुका हूं, यहां पे मेरा जो आज का सफ़र ख़त्म हो गया है। अब मैं जो है अपनी एंटीटोड गर्मी का पीने वाला हूं, जो है गन्ने का जूस। मैं कहता हूं अगर जो भी दसुए में रहता है या फिर आसपास गर्दीवाला में या फिर कोई भी पास रहता है दसुए के, वो यहां पे ज़रूर आए और यहां के गन्ने का जूस पी के देखना, ऑसम, एक अलग ही टेस्ट है, बहुत ही अच्छा, मतलब कि क्वांटिटी में मिलता है यहाँ पे, नींबू ज़्यादा डाल के मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है, पुदीना भी ज़्यादा डालते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा और पीना हो ना, थोड़ा सा एक बार दे भी देते हैं, थोड़ा सा पी लो कोई बात नहीं। और इनके पास बंटी की बोतलें भी हैं, ठीक है, रेड वाली नहीं है आज इनके पास, बाकी ये वाली है सबसे टेस्टी मुझे ये लगती है, और रेड वाली लगती है, और जिंजर वाली तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती और मैं ट्राई भी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, चलो इनके पास फ़ोनपे है, आप फ़ोनपे भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम फिर अगली जगह, अगली लोकेशन, अगली किसी टूर पे। सो स्टे ट्यून, देखते रहिए डॉक्टर्स ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब मिलते हैं हम फिर अगले ब्लॉग में, बाय।